कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत जय जोहार। तुमन जानत हो कि लौकी ऐसे चीज आए जेखर जो जूस है तेखर पिए ले हार्ट के बीमारी पर फायदा होते, फास्फोरस मिलते तो हड्डी मजबूत होते और 12 महीना एकर जो बाजार में मांग है संगवारी हो। तो लौकी के खेती है निश्चित रूप से हमारे किसान भाई बन पर बहुत फायदेमंद खेती हो सकत है। तो संगी हो कृषि तीज हम आप एक जानकारी देवो और ये विषय के विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में हमार बीच आए हुए हैं श्री जगन्नाथ सिंह नाठिया। ये श्री जगन्नाथ सिंह नाठिया जी जो है तो उन बिरला विकास खंड के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आए और ये आनंद गांव में आज हम आए हैं। अब यहाँ देखा तो मोर पाछू में बहुत सुंदर लौकी के खेती करे गए हैं तो एक जो जानकारी देला तुम देखिए संगवारी हो तो निश्चित रूप से तुम यहाँ लौकी के उत्पादन ला अच्छा से बढ़ा सकत हो। तो शुरू करें नहीं लेकिन पहली एक छोटे से संदेश। आज अपन ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो जलवायु है वो काफ़ी उपयुक्त है ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए। और ड्रैगन फ्रूट के लिए जो भूमि का यदि हम बोलेंगे तो भूमि भी काफ़ी अच्छी यहाँ की है और कोई भी मिट्टी पर अपन इसको कर सकते हैं, जैसे रेतीली मिट्टी हो गई या काली मिट्टी हो गई, दोमट मिट्टी हो गई, किसी भी प्रकार की इसमें मिट्टी का कोई वो बंदिश नहीं है। और इसके अंदर पे जो वैरायटी है लाल रंग की आती है, ये पीले रंग की आती है और सफ़ेद रंग की आती है, जिसमें लाल रंग का चलन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे और छत्तीसगढ़ के अंदर पे काफ़ी अच्छा इसका मांग भी है लाल ड्रैगन फ्रूट की। तो फल जो है इसका लाल रंग का होता है अंदर से और इसका उपयोग भी काफ़ी अच्छा है, जो रक्त संचार कणिका जो होती है उसमें भी ये काफ़ी फायदेमंद है और रक्त संचार कणिका को बढ़ाने का काम भी करता है और हमारे रक्त को मतलब शुद्धिकरण के काम भी आता ही है ड्रैगन फ्रूट की खेती में। तो संगी हो हमारे आज के जो विशेषज्ञ है श्री जगन्नाथ सिंह नाठिया ये आ चुके हमें और एकर से मैं सबसे पहले ये पूछत हूँ कि हमारे किसान भाई बन अगर कहूँ लौकी के खेती करना चाहते हैं तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है तेना उचित है कि नहीं है, और ये लगाए पर हमला हमारे जो भूइयाँ हैं तेन ला कैसे तैयार करना है और लौकी के खेती है काक महत्तम के है, ये तीनों बात ला पूछा था आवा देखथन काय कहा थे। छत्तीसगढ़ में लौकी की खेती के लिए जो जलवायु की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जलवायु लौकी की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ छत्तीसगढ़ के हर जगह लौकी की खेती सफलतापूर्वक किया जा सकता है और अच्छा आमदनी लिया जा सकता है। सबसे पहले हम लौकी की खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ की ना जलवायु की बात करें तो जलवायु जो है हर जगह आसानी पूर्वक लिया जा सकता है। उसके बाद आता है भूमि का, तो लौकी की खेती के लिए भूमि जो है वहाँ का मिट्टी कन्हार मिट्टी में भी सफलतापूर्वक लिया जा सकता है, दोमट मिट्टी में भी, बलुई मिट्टी में और मटासी में भी लिया जा सकता है। लौकी को सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्रमुख माना जाता है। लौकी सामान्य तौर पर दो आकार की होती है, पहली गोल और दूसरी लंबी। लौकी एक ऐसी कद्दू वर्गीय सब्जी है जिसकी फसल वर्ष में 3 बार उगाई जाती है। जायद, खरीफ, रबी सीजन में लौकी की फसल ली जाती है। अधिक अम्लीय व क्षारीय मिट्टी को छोड़कर सभी तरह की मिट्टी लौकी की खेती के लिए उपयुक्त है। वह उचित जल धारण क्षमता वाली जीवाश्म युक्त हल्की दोमट मिट्टी इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। लौकी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बुवाई गर्मी एवं वर्षा के समय में की जाती है। यह पाले को सहन करने में बिल्कुल असमर्थ होती है। इसकी खेती को अलग अलग मौसम के अनुसार विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, किंतु शुष्क और अर्ध शुष्क जैसे क्षेत्रों में इसकी पैदावार अच्छी होती है। इसकी भूमि की तैयारी के लिए हमको ध्यान देने की बात जो है वहाँ की जो मृदा का जो पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए और भूमि की तैयारी करने से पहले 2-3 बार गहरी जुताई कर लेना चाहिए। आवश्यकता हो तो किसान भाइयों को
रोटावेटर चला लेना चाहिए जिससे वहाँ की मिट्टी बारीक हो जाए। इसके पश्चात किसान भाइयों को रेजर के माध्यम से, अगर एक एकड़ की खेती कर रहा है तो अगर मजदूर के माध्यम से वो मादा तैयार करते हैं तो लागत ज़्यादा लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आज कृषि तकनीकी में जो उपकरण उपलब्ध होते हैं उसमें रेजर के माध्यम से मादा तैयार करें। मादा तैयार करते समय किसान भाइयों को जो लाइन लाइन की दूरी है उसको मेंटेन करके चलना चाहिए। लाइन लाइन की जो दूरी है वो करीब 8 फीट रखना चाहिए, इस हिसाब से मादा तैयार कर लेना चाहिए। लौकी की खेती की सिंचाई फसल के ऋतु पर निर्भर करती है। यदि इसकी खेती जायद सीजन के लिए की है तो इसकी खेती की सिंचाई पहली सिंचाई रोपाई से पहले करें। इसके बाद 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। लौकी की खरीफ ऋतु में खेत की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु वर्षा ना होने पर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। अधिक वर्षा की स्थिति में जल के निकास के लिए नालियों का गहरा व चौड़ा होना आवश्यक है। इसके अलावा रबी सीजन की फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। बरसात में जैसे अपन लौकी खेती करते हैं तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता तो नहीं पड़ता है, लेकिन वहीं अगर रबी में अपन लौकी की फसल लेते हैं, गर्मी की फसल लेते हैं लौकी में, जैसे लौकी का बुआई करने का जो अच्छा उत्तम समय है फरवरी मार्च अप्रैल मई या जून जुलाई, तो उधर अगर फरवरी मार्च में जो लौकी की फसल की बुआई किए हैं तो उसके लिए पानी का ज़्यादा महत्व है, बार बार सिंचाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए ना आज की जो व्यवस्था है ड्रिप के माध्यम से अगर हम पानी देते हैं तो पानी का अनावश्यक दुरुपयोग भी नहीं होगा, डायरेक्ट पौधे के पास भी मिलेगा। पौधे को लगने के बाद अगर खेत में नमी है तो पौधे जैसे उग आया है तो लगने के 40 दिन बाद पहला सिंचाई करना चाहिए, और इसके बाद 40 से ये 50 दिन में उसको हर गर्मी में हर 10 दिन 15 दिन में ड्रिप के माध्यम से पानी देते रहना चाहिए। चंगी, और आज के जो हमारा विषय है कि लौकी के उन्नत या आधुनिक तरीका से खेती कैसे करे जाए, ये तो चलते रही, एक छोटे से विराम ले लेथन, उखर बाद जो हमारा आज के चर्चा है तेल फिर आगू बढ़ाबो। आओ एक विराम ले ली। मेरे साथ बोलो ए, ए, बी, बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है, अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36% से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, भारत का। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान।
अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगी हो, जैसे भोजन करे ले हमारे मन के शरीर पुष्ट होते, बीमारी से लड़ते और बढ़िया हमार वजन बढ़ते और हमार ताकत बढ़ते। वैसने कोनो भी फसल में खाद जो है तो वही काम करते। जतका सुंदर ढंग से सही ढंग से हम खाद देबो उतके अच्छा वो फसल अब बढ़िया हुई, चिक्कन हुई, बहुत अकन फरी और वो हर बढ़िया स्वस्थ फल दी हमला। तो हमला लौकी पर खाद कौन कौन से लगी, ओखर का नाम है, कतका कतका मात्रा में लगी और संगे संग में ये खाद ला कब कब देना है, खेत के तैयारी के समय कतका देना है, फूल फर के समय में कतका देना है और खाद ला दे के सबसे अच्छा विधि का हो सकत है। काबर के मन है वो विधि से खाद दे हमें बड़ा सुंदर ढंग से दे तुम्हें लगे है तो आवा जान लेथन खाद प्रबंधन लौकी में। लौकी की अधिक पैदावार लेने के लिए उसमें जैविक खाद कंपोस्ट खाद की पर्याप्त मात्रा हो, इसके लिए खेत तैयार करते समय 200 से 220 क्विंटल पची गोबर खाद अथवा 100 से 110 क्विंटल नाडेप कंपोस्ट अथवा 70 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ की दर से खेत में मिलाए। पची गोबर की खाद अथवा खेत की मिट्टी में मिलाकर अंतिम जुताई के समय नमी की अवस्था में मिट्टी में मिला दे। गौमूत्र के 10% घोल का पहला छिड़काव रोपाई सीधी बिजाई के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरा छिड़काव 40 से 45 दिन पर करें। पहली निंदाई गुड़ाई के समय गड्ढों में पौधे के चारों तरफ जड़ों के पास 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से नाडेप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। वर्मी वास के 10% घोल के 3 छिड़काव क्रमशः फूल आने से पहले, दूसरा फल बनते समय एवं तीसरा छिड़काव फल विकसित होने की अवस्था में करने से लौकी के फल बड़े ठोस एवं चमकीले बनते हैं। लौकी की फसल के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होता है। तो अपन खेत तैयारी जैसे करते हैं, खेत तैयारी करते हैं उसी समय नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा और 1/3 स्फुर और पोटाश का सीधे खेत में मिला दें। और किसान भाइयों को और विशेष ध्यान देना चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट, खेत में हमेशा नमी की आवश्यकता भी पड़ती है तो वर्मी कंपोस्ट कम से कम आधा ट्रैक्टर ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से, मुर्गी खाद है तो वो मुर्गी खाद आधा ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि की तैयारी के समय ही मिला देना चाहिए, तब मादा तैयार करना चाहिए। इसके पश्चात जैसे फसल अब उग आया है, फसल उगने के बाद 50 दिन बाद जो हमको खाद देना है तो 50 दिन बाद जो खाद देंगे तो उसमें 25 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम फास्फोरस, 5 किलोग्राम पोटाश घोल बना करके सीधे ड्रिप के माध्यम से दिया जा सकता है। संगी हो, अभी तक के हमन बोवाई से लेकर के खाद प्रबंधन के जानकारी ले रहे, अब आते कीड़ा और बीमारी। यह लगभग सबो फसल में चाहे साग भाजी हो चाहे अन्न पानी में हो लगे के संभावना रही थी। तो लौकी में हमला कौन कौन प्रकार के कीड़ा लगे मिल सकत है, कौन कौन प्रकार के बीमारी हो सकत है और एखर मन के लक्षण का है, हम कैसे चिन्हबो कि मैं फलाना कीड़ा लगे है या फलाना बीमारी लगे है। इला लक्षण लघलो जान लेथन और कीड़ा मन के नाम लघलो जान लेथन और मान लो ये मन लग भी गए है तो एखर इलाज कैसे करना है, एखर निदान कैसे करना है, यह जानना जरूरी है। तो आओ हमारे आज के विशेषज्ञ जी का कहा थे कीड़ा बीमारी पर देख लेथन। लौकी फसल में शुरुआत में ही लौकी का बग प्रभावित हो जाता है। जैसे लौकी का बग अटैक करता है पौधे में तो उसका जो लक्षण बनता है वो उसमें लौकी, ये बग जो है बच्चे और वयस्क दोनों तरह दोनों प्रभावित करते हैं। उसका शुरुआती जो लक्षण बनता है वो पौधे में बनता है, पौधे सिकुड़ने लगता है और उसका पौधे का जो पत्ता है तना का रस चूसने लगता है और जब प्रभावित हो जाता है तो पौधा का जो लक्षण है वो पौधा
लकड़ी जैसे दिखने लगता है। तो ऐसा लक्षण शुरुआत में ही अगर किसान भाई को दिखता है, पत्ते में जैसे उसका लक्षण दिख जाता है, तो किसान भाइयों को चाहिए कि ओजोन, बायोटेक और त्रिशला, नीम 300 ppm का घोल बना करके छिड़काव कर देना चाहिए पौधे के ऊपर। इससे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके पश्चात भी जब पौधा फसल निकलने लगता है, फसल निकलते समय जो इल्ली का भी प्रकोप रहता है, इल्ली सीधे फल में अटैक करता है, फल को नुकसान करता है, तो किसान भाइयों को चाहिए कि अगर इल्ली का प्रकोप जैसे दिखाई देता है तो किसान भाइयों को तत्काल उसके रोकथाम के लिए ना ऐसी फेड जैसे दवाइयों का स्प्रे कर देना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों को चाहिए कि हमेशा फसल की निगरानी करते रहना चाहिए। जैसे कीट व्याधि का प्रकोप दिखे तो हमारे उद्यानिकी विभाग से संपर्क कर उसका परामर्श लेके दवाई का छिड़काव करके आसानी से रोकथाम किया जा सकता है। बीमारी इसमें बिल्ट जो है, शुरुआत में ही बिल्ट लगता है। बिल्ट कब जिस खेत में प्रकोप रहता है तो वहाँ का पौधे उगने के बाद ही अपने आप सूखने लगता है। उसका बिल्ट का जो प्रकोप रहता है वो मिट्टी से ही रहता है, तो जड़ से ही उसका शुरुआती लक्षण दिखने लगता है और वो पौधे ना सूखने लगता है। इसके पहले मैं बता दिया हूँ कि बीज उपचार ना अति आवश्यक है। जब उस खेत में प्रायः कुछ खेतों में ऐसा देखने को मिलता है कि जब पौधा तैयार होता है तो जैसे उगता है उसके कुछ दिन बाद वो बिल्ट का लक्षण दिखना शुरू हो जाता है, तो बीज उपचार बहुत अच्छा उत्तम तरीका है। किसान भाइयों को बीज बुआई के समय ही बीज उपचार कर लेना चाहिए। इसकी बीजों की खेत में रोपाई के लगभग 50 से 55 दिनों के बाद इसकी फसल पैदावार देना आरंभ कर देती है। जब इसके फल सही आकार और गहरा रंग में ठीक ठाक प्रकार का दिखने लगे तो उनकी तुड़ाई कर लें। फलों की तुड़ाई डंठल के साथ करें, इससे फल कुछ समय तक ताजा बना रहता है। लौकी का खेती कर रहा हूँ 10-12 साल से। 42 एकड़ में लौकी लगाया हूँ। जो फसल लगाने के 35 से 40 दिन बाद पहला कटिंग चालू कर देता हूँ। इसका उत्पादन 20 से 25 टन आ जाता है। और उसके बाद सेकंड का भी खेती करता हूँ टमाटर की। टमाटर का भी उत्पादन आ जाता है 20 से 25 टन। मैं अपने से करके देखा हूँ, उसके बाद में लागत के हिसाब से उत्पादन, उसका मूल्य काट के बचत इसमें अत्यधिक आ जाता है। उस कारण से लौकी का खेती करना चालू किया हूँ। बचपन से हमारे घर में खेती से जुड़ा हुआ है, उसी को देख के सीख के ऐसा करना चालू किया। अब जैसे जैसा करता गया फिर वैसे वैसे टेक्निक दवाई का, उसको उगाना कैसे है, फलाना कैसे है, कहाँ बेचना है, सब चीज़ सीखते गया। फिर उससे पानी ड्रिप से चलता है। लौकी में पानी लगभग 15 से 20 हज़ार लीटर पर डे जब फल आने के बाद लग जाता है। तो ये वही संगवारी हो कि लौकी के खेती उन्नत तरीका से करे बर हमला कौन कौन बात के विशेष ध्यान रखना है, जिखर से हमला बढ़िया उत्पादन मिल सके, तेखर जानकारी होइस। अब मेरा है संगवारी हो एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के, आवा ओखरो आनंद ले लेते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 मोरे बिना बजावत हरि गुण गावे नारा। सब भरे सभा दल शंकर भगवान कहे कि मोर आज तपस्या कौन करत है ते कल जाके देखना चाहिए। अर्जुन कहे प्रभु जब तक तोर तपस्या नहीं करूं, जब तक तोर दर्शन नहीं पाहूं, तब तक महु चैन से नहीं बैठो। अर्जुन है तन सुंदर दोनों हाथ जोड़ के बम भोला दर्शन बिना दर्शन दर्शन बिना
अच्छा आ यार जो है तन गांडी धन साल लहा के संभाल के यार जो है कैसे मोरा चलो लगे भाई यार जो है कैसे मोरा जावा लगे यार जो है कैसे मोरा जावेगा भाई आगे सामने में शंकर कहे ये राजकुमार ये राजकुमार अरे ये शिकारी मारे मैं मारे हूँ हाँ और तेक बात ल सुन के कहे हाँ ए शिकारी अरे ये मोर शिकार मैं मारे हूँ हाँ तेक अबर मारे हाँ तेक ले काम कर हाँ चल युद्ध हो जाए कर कर अरे शिकारी हाँ जीती ही तेकर शिकारी हाँ भाई तब भोलेनाथ भगवान अब यार जो ने तन वहाँ घोल लड़ाई करे बर तैयार हो थे सावना बिना बिजली ना चमके भैया भागो बिना तो संगी हो मोला पूरा विश्वास है कि आज हमर विशेषज्ञ जी है जौन तरीका से लौकी के उन्नत तरीका के खेती जोन बताई सब है तेला तुमन अपना हो और खूब फायदा कमा हो एक बताए तरीका से करिया तो 10 गुना 20 गुना तुम्हार उत्पादन ज़्यादा हो है और संगी हो आज हम अटके में तुम्हार मन से आज्ञा लेवत हन जय जोहार।